हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज मैं लेके आया हूँ 20 वर्ड्स अपोजिट एंटोनिम्स लेके आया हूँ विथ ट्रिक्स के साथ, और यह इसमें से आप वोकैबुलरी भी सीखेंगे। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करूँगा 20 वर्ड्स एंटोनिम्स के विथ ट्रिक्स। अपोजिट वर्ड्स जो हैं उनको मैं आज जो है तो डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं एक सरप्राइज है। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो आंसर देगा उसको मैं कमेंट करूँगा, तो वीरेंद्र गुप्ता जो है तो उसमें अच्छा आंसर दिए हैं और पहले आंसर दिए हैं। आंसर तो सभी सही दिए हैं लेकिन वीरेंद्र गुप्ता जो है तो पहले आंसर आया है उनकी तरफ से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। तो आ गए हैं हम अपोजिट वर्ड्स में अपने। तो देखिए, अप यानी ऊपर, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। तो ऊपर और नीचे आप समझते हैं, कहते हैं ना कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है उसको ले लो, है ना। आप किसी से भी कहते हो पानी टेबल के ऊपर है जाकर ले लीजिए, है ना। आप ये भी कहते हो कि जो चूहा है वह टेबल के नीचे घुसा हुआ है उसे पकड़ो। अब देखो बिग, बिग यानी बड़ा। आप कहते हो ना अपने छोटे भाई से कहते हो मैं बहुत बड़ा हूँ, आपका छोटा भाई कहता है भैया मैं आपसे छोटा हूँ, तो बिग का स्मॉल हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। तो अपोजिट मतलब कि आप जो हैं अच्छे हैं वो गंदा है, अच्छा और गंदा दोनों एंटोनिम्स कहलाता है, अपोजिट वर्ड्स कहलाता है। ओके, अब चलिए पहले तो एंटोनिम की आपको डिफिनेशन बता देती हूँ अपोजिट वर्ड्स। तो क्या होता है अपोजिट वर्ड्स की डिफिनेशन, उसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए मैं समझाता हूँ इसका डिफिनेशन। इफ वन वर्ड्स आइडेंटिफाई और इफ वन वर्ड्स आर आइडेंटिफाइड एंड अनदर वर्ड्स आर अपोजिट दिस वर्ड दैट कॉल्ड अपोजिट वर्ड्स। ओके, इससे आप समझ सकते हैं कि एक वर्ड जैसे अप हो गया, इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो उल्टा होगा, या ये कहिए इसका जो मतलब अपोजिट होगा इस वर्ड का एंटोनिम होगा वह डाउन होगा, वह वर्ड जो है एंटोनिम कहलाता है, अपोजिट वर्ड कहलाता है। एक वर्ड का अब दूसरे वर्ड का अपोजिट जो है तो एंटोनिम कहलाता है। जिस वर्ड से, जिस दो वर्ड से हमें उसके अपोजिट या ये कहिए एक तरफ सही और एक तरफ गलत, एक तरफ अच्छी चीज का और एक तरफ गंदी चीज का ज्ञान हो, वहां जो है तो अपोजिट वर्ड्स आते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं लॉन्ग। लॉन्ग तो बड़ा कहते हैं ना, ये आंसर जो है बहुत बड़ा है, और जो तो कहते हो कि ये नहीं लर्न होता है। अब शॉर्ट आंसर जो रहते हैं उनको बहुत जल्दी याद करने में आप लोगों का दिमाग चलता है, और उनको कहते हो कि ये शॉर्ट है मैं इसको याद कर लूँगा। तो लॉन्ग का उल्टा क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। फैट, अब उल्टा मेरे वर्ड कमेंट उल्टा में आप ये मत समझ लीजिएगा कि लॉन्ग का जो है तो GNOL, है ना, ये मत समझ लीजिएगा कि GONL गोंड, ये मत समझिएगा। लॉन्ग का उल्टा शॉर्ट, है ना, बड़ा का छोटा। ओपन, ओपन का क्लोज हो जाएगा, ठीक, यानी किसी चीज को खोलना, और उल्टा क्या होगा किसी चीज को बंद कर देना, ऐसे इसमें हम समझ सकते हैं। ऑफ कहते हैं कोई चीज बंद है उसको ऑन करना, बंद को हम क्या कर दिए, खोल दिए, या कहीं ऑन कर दिए, चालू कर दिए। हैवी, हैवी का लाइट हो गया, हैवी यानी वजनी और लाइट यानी हल्का। लाइट देखिएगा आप कभी, इससे आप ट्रिक से ये समझ सकते हैं आपकी घर की जो लाइट होगी बहुत हल्की होगी। ओके, और हैवी यानी वजनी, जो हाथी होते हैं वो वगैरह बहुत वजनी होते हैं, समझ सकते हैं। अंडर, अंडर यानी ओवर यानी, इसका जो है अपोजिट है इसको समझाने की जरूरत ही नहीं होती है। ओके,
अंडर यानी होता है कि आप किसी चीज़ के मतलब अंदर हैं, किसी भी चीज़ के। जैसे आप कहते हैं ना इस लड़के के पास अनुशासन बहुत है, ये कहते हैं कि आप जो रहते हैं टीचर और अपने पेरेंट्स के रूल पे रहते हैं, आप उनके अंडर पे रहते हैं, ओके, उनकी जिम्मेदारियों पे रहते हैं। ओवर, जब कोई बच्चा बदमाश होता है और बैड होता है, अनडिसिप्लिन होता है, तो टीचर और पेरेंट्स के ओवर हो जाता है। कहते हैं ना ज़्यादा ओवर मत बनो, टीचर्स लोग कहते हैं, तो यही हो जाता है। अब देखिए हॉट, हॉट यानी गर्म, और कोल्ड यानी क्या होता है, ठंडा। अब ऑन या ऑफ ये तो मैंने पहले ही समझा चुका हूँ। राइट रॉन्ग, राइट का रॉन्ग होता है ये आप जानते हैं, सही का गलत, न्याय का अन्याय, ओके, जस्टिस का इनजस्टिस, और करेक्ट का इस करेक्ट भी बनता है, करेक्ट का इनकरेक्ट। देखिए इसे तीन चार वर्ड मैंने निकाल लिया, और जो है तो अंदर बाहर, कम, ओके, इन आउट, कम गो, ऐसे हो जाएगा, है ना। और आप इसमें से बहुत सारा जो है आप समझ सकते हैं अच्छे से। अब मैं चलिए कुछ जो है तो इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको बताता हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ही नेसेसरी होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ भाई, प्लीज़ इस बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, और यहाँ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।